जिस आदमी ने 19 लोगों की जान ली, मैं 20वां था। मुझे पता नहीं क्यों इसने छोड़ दिया। मुझे तो लगता है उसने ये सब कुछ अनजाने में किया। नहीं नहीं नहीं, वो जानता था कि आखिर में वो क्या कर रहा है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है, आदमी जानबूझकर ये सब नहीं करता, ये सब अनजाने में ही करता है। उसे पकड़ के देखो, वो अनजाना है। मुझे डर लगता है मैं 20वां हो सकता हूं। वैसे अभी तक पता नहीं चला कि एम्बेसी में क्या हुआ था रात को, मुझे लगता है ये टेररिज्म है। पूरी स्वैट टीम यहाँ उपस्थित है, सावधान, सब यहाँ तैयार हैं एम्बेसी की रक्षा। अपना काम कीजिए लेफ्टिनेंट, यहाँ हम सब संभाल। क्या पता चला? कोई आदमी अंदर घुसा, एमिर के पार्टी को घेर लिया, इतना ही पता चला है। वैसे किसी से बात नहीं हो पाई, मेरे आदमी तैनात हैं। किसका इंतजार है? मुझे सूचना दी गई है कि कमिश्नर मेरिनो का इंतजार करें। वो कहाँ है? जी वो किसी पार्टी में। मैं अंदर जा रहा हूँ। लेफ्टिनेंट तुम नहीं जा सकते। सर वो अंदर जा रहा है। सॉरी सर, रोक नहीं सकता, आवाज सुनकर वो अंदर घुस गया। कर्ण ये मत बोलो, खतरनाक कुत्ता। नहीं सर, लेफ्टिनेंट मार्गोलिस। तो आपको किसका इंतजार है? सब लोग आओ मेरे साथ। नहीं बचा। उस औरत का क्या हुआ? कैसी औरत? अंदर हॉल में एक अरबी औरत थी। खटपट, वहाँ क्या स्थिति है? सब खत्म हो गया सर, कोई नहीं बचा। दोबारा देखो, वैसे अब ये आदमी सब कुछ संभाल लेगा, इसमें इतनी हिम्मत है? देखो डॉक्टर यमांडो। यमोटो, चाहे जो भी हो, देखो उसे जवाब देने के काबिल करो, मुझे पूछना है उससे, समझ गए? माफ करना, मैं मदद करूँ आपकी। शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगी। लगता है मैं खूबसूरत औरतों के मामले में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ डॉक्टर। डॉक्टर डी कैम हमारी स्पेशलिस्ट है इस तरह के पेशेंट्स के लिए, वैसे काफी समझदार है और अपना काम बखूबी करती है। यकीनन, मैं देख रहा हूँ आप अपने संगीत के माध्यम से काबू में करती हैं सभी को। अच्छी परिभाषा दी है आपने मेरी, ठीक कहा, ऐसी ही कुछ है ये थेरेपी। मैं संगीत का प्रयोग करके दिमाग के बंद दरवाजे खोलती हूँ। सही कहा, मानसिक रोग का इलाज करना भी एक तरह की कला है। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए, दुखी मत होइए, ये एक प्रकार का क्लासिकल लॉक एंड रोल है, सबको ठीक करता है। मैं लेफ्टिनेंट मार्गोलिस हूँ, ये मेरा केस है। मैं हूँ जी टी कैम, मैं इस हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट हूँ, वो मेरा मरीज है। तब तो आप मेरी मदद कर सकती हैं। देखिए ये उस अकेले, वैसे अगर आपको कोई भी सुराग मिलता है मेरे मोबाइल पे कॉन्टेक्ट करिए। ये मेरा काम नहीं है मिस्टर, वो आपके लिए खूनी हो सकता है लेकिन मेरे लिए एक मरीज। हे तुम जानती हो मैं तो सिर्फ उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मुझे जाना है लेफ्टिनेंट। ठीक है, जरा सुनो, अगर तुम्हारा काम हो जाए तो क्या हम लोग साथ में कॉफी पी सकते हैं? सॉरी, मेरा मतलब मुझे बहुत काम है। सुनो जैस्पर, मैं तुम्हें दुख पहुंचाने नहीं आई हूं, मैं यहां सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं चाहती हूं तुम चिंता ना करो, संगीत को सुनो, अपने दिमाग को हल्का करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ संगीत का आनंद उठाओ। मुझे लगता है किसी ने इसके दिल और दिमाग को चोट पहुंचाई है। तुम्हारा मतलब षड्यंत्र? वो औरत मिली एम्बेसी से बाहर कैसे आई, किसने मदद की? वहां ऐसा कोई नहीं था। सर मैंने अपनी आंखों से देखा था। कोई औरत नहीं थी। तो फिर वो अजीब सा हाथ किसका था, उसका क्या हुआ? कोई हाथ बात नहीं था। ओ। कोई औरत नहीं थी और ना ही कोई षड्यंत्र।
यह आदमी एक खतरनाक जानवर के समान है। तभी वो ऐसी हरकतें कर रहा था। यह कोई बड़ी साजिश नहीं है, बस एक खतरनाक जुर्म, जैसे किसी के मुंह पर पिंपल। वैसे भी अब यह तुम्हारा केस नहीं रहा, गवर्नमेंट इसे अपने हाथों में ले रही है, तुम अपने हाथ दूर रखो। ओके, काफी रोमांचिक था, मगर लगता है ये टेररिस्ट है। हाँ, उत्तेजित था, मगर वो सही जगह पे है, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। डॉक्टर डी कैंप, थोड़े समय के लिए हम इसका इलाज बंद कर रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरा संगीत द्वारा करने वाला इलाज पसंद नहीं है आपको, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं इसे ठीक करूंगी। वो सब ठीक है डॉक्टर, मगर ये जैस्पर अब हमारे साथ नहीं रहेगा। जैस्पर को ले जाने का समय क्या है? अभी तक ट्रांसफर ऑर्डर नहीं आए हैं। मैं कॉफी पीकर आती हूँ। एक बार फिर मेयर ने पुलिस वालों की छुट्टियों की अर्जी खारिज कर दी है, क्योंकि आजकल हमारे शहर में आतंक बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। अभी मिलिट्री को बुलाने के आर्डर नहीं मिले हैं, फिर भी पुलिस को इत्तला दी जाती है कि वो आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे। हेलो जैस्पर, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, उसके बाद से मैं ये संगीत थेरेपी कर रही हूँ। कहते हैं संगीत आत्मा की गहराई तक जाता है। देखो, वो तुम्हें यहाँ से ले जाने वाले हैं आज रात को। मुझे लगता है ये हमारी आखिरी मुलाकात है। प्लीज मुझे बताओ तुम कौन हो, ये सब हादसा कैसे हुआ? कुछ याद आया तुम्हें? भगवान, मुझे याद आ रहा है। ठीक है संगीत बंद, अब नहीं बजाऊंगी मैं। अच्छा, क्या याद आया? मेरा नाम है जॉन जैस्पर। हाँ, मुझे सब याद आ रहा है। ब्लू, एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने किसी चीज पर भरोसा किया है? मेरा मतलब पूरा भरोसा। मैं सोचता हूं मैंने कला पर भरोसा किया है, उसकी बनावट पर नहीं, उसके तत्व पर। कई बार मैं देखता हूं एक पेंटिंग जो कि खाली है, फिर भी उसमें शेड्स हैं।
कई बार अपने आप में महसूस भी करता हूँ कोई अंदरूनी आवाज। वाह। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अभी भूख नहीं है। छोड़ो भी, तुम्हें खाना पड़ेगा। अरे बाबा रहने दो ना। मैं कहती हूँ अच्छे बच्चों की तरह खाओ। लगता है तुम पर भरोसा करना पड़ेगा। क्यों नहीं, जरूर। जॉन नहीं, ऐसा मत करो ना प्लीज, ऐसा मत करो। अबे कौन है? जॉन, जॉन, नहीं, नहीं, नहीं। क्या तुम भूल गई हो तुम्हें इस देश में कौन लेकर आया है, किसको पैसा चुकाना है? रुक जाओ। मेरा हिसाब अभी बाकी है तुमसे। रुको, अगर दोबारा उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मारोगे? क्या बात है, चलो आगे बढ़ो, मारो मुझे। क्या समझता है तू अपने आप को? ब्लू के मरते ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मेरे अंदर ब्लू के प्यार के साथ साथ एक राक्षस भी छुपा हुआ था, ये मैं जानता था, और वो अंधेरा मेरे अंदर मौजूद था। मुझे भरोसा होने लगा। परेशान हो? जिंदगी बहुत लंबी है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ डरावने पाल उदासी का माहौल और सब खत्म हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ऐसे में लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या? जीना मरना, खुशी गम, सुख दुख, यही जिंदगी है। इन सब के पीछे कुछ है तभी ऐसा होता है। स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, अच्छाई बुराई सब एक मजाक है, एक डरावना सपना बस। मुझे जिंदगी पे भरोसा नहीं। तो फिर उदासी क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं करते जो तुम्हारा मन कहता हो? हमें पसंद आए क्योंकि तुम अपने आप से झूठ बोल लेते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने कहा था फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें छू तो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डर के जीने का क्या फायदा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकता हूँ। मौज करोगे तुम, अपनी मर्जी के मालिक होगे, तुम में इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम जो चाहो कर सकते हो। ब्लडी फूल, मैं कुछ करना नहीं चाहता। नहीं, तुम करना चाहते हो लेकिन अंदर ही अंदर खुल रहे हो। क्या मतलब? नफरत, मीठी नफरत उससे जिसने ये सब कुछ किया। मैं उसके दिल को चीर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा और उसके बदले में मुझे चाहिए तुम्हारी अमर आत्मा। इतना ज्यादा भी नहीं मांगा उससे जो जीवन से निराश हो चुका है। शक्ति चाहिए मुझे।
बदले की भावना चाहिए। वाह क्रोध के फरिश्ते, यहाँ हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर? एक औपचारिकता है, मुझे अपना समझो। बस एक बात, समय आएगा तुम्हारा भी जब तुम हर चीज को अपनाओगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हारा एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें इस बात से पछतावा होगा कि तब मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। तब सब कुछ मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी होगी और हजारों शैतान वही करेंगे जो तुम चाहोगे। आगे बढ़ो और सर्वनाश करो। पीस कहाँ है? कुत्ते, तेरी तो क्यों अपनी मौत को भुगाता है? कैसे लगा? पसंद आई मेरी शक्ति? तुम सोचती होगी मैं एक पागल हूं, एक डरपोक इंसान हूं, चाहे कुछ भी समझ लो तुम, मगर मुझ में जो क्रोध है वो जानवर से भी बढ़कर है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। मुझे समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे रास्तों पर चलना होगा, सलाखों के पीछे नहीं, क्योंकि वहाँ तुम सिर्फ एक बंदी हो, समझ गई? वहाँ मैं जा चुकी हूँ। बकवास कर रही हो तुम, तुमने अभी मेरी क्रूरता देखी नहीं है, अभी तुम अपनी दुनिया में ही हो। किसी अच्छे से लोनली हार्ट स्कूल से पढ़कर निकली हो ना तुम, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक अपने बाप की कमाई पर सब कुछ किया है तुमने, है? पाप और बुराई की दुनिया को तुम क्या जानो? हाँ, तुम पाप को मिटा सकती हो क्या? दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं खत्म कर सकती हो क्या? अगर ऐसा होता तो डॉक्टर रिप्रेस चिकीज के बनाए संगीत से सब कुछ मिट जाता, मिट जाता। बकवास है ये सब, बकवास। इंसान की फितरत नहीं बदलती, यह संगीत एक खून है। कमाल है ना, हमारा शरीर कितनी चीजों का मोहताज है। ये देखो, इंसान का असली गुर्दा। मुझे महसूस हुआ, शक्तिशाली खून है ना, बाहर निकाल दो। तुम पूरी दुनिया में राज करोगे, अब तुम्हारा काम शुरू होता है जॉन। तुम्हें बहुतों का खून बहाना है। नहीं और नहीं। करने पड़ेंगे खून पर खून, और कोई रास्ता नहीं है। तुम समझते हो इतनों का खून करके तुम वापस अपनी जिंदगी में चैन से जी सकोगे? यही करना है तुम्हें।
नहीं होगा मुझसे। जरूर होगा, तुम पर इसका नशा जो चढ़ गया है, तुम तरसते हो। इसका कारण है कि तुम्हें सबको मारने में आनंद मिलता है। नहीं, मुझे नहीं मिलता। हमारे बीच सौदा हुआ है जॉन, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तुम एक कातिल की तरह जियोगे, जिंदगी और मौत के बीच नींद उड़ जाएगी तुम्हारी, हिंसा के आदि हो जाओगे तुम, प्रतिशोध का खून पियोगे और ये सब हमेशा तुम्हें सताएंगे। नो, नो। प्रतिशोध का खून पियोगे। स्वागत है मेरे आगोश में। तू चाहती क्या है वेश्या? हाँ वेश्या। नहीं, बस उसी दिन उसके साथ। वैसे एम्बेसी में क्या हुआ था? एम ने एक उद्देश्य से भेजा था, उसने समझाया था कि क्या करना है। एक लाल साथी, मैं आदी हो गया था, अपने आप को रोक नहीं सका, खत्म करता चला गया, एक मशीन की तरह कत्लेआम, जैसे राक्षस को अपना हक मिल गया हो। मैं वहीं मर जाता मगर ऐसा नहीं हुआ, भाग्य मेरे साथ था। मैं रुक गया और आगे उसका कहना नहीं माना। वो मेरी तलाश में यहां आएगा और काम खत्म करने को कहेगा। तुम यहां से चले जाओ, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, मेरा भरोसा करो। करोगी ना? मुझे लगता है सैम की तुम पर पूरी तरह पकड़ है, उसकी कुछ शक्तियां तुम पर चलती हैं, मगर वो भूत और नहीं है। तुम समझती हो कि संगीत से मुझे छुटकारा दिला दोगी? बहुत सीखना है तुम्हें मेरी प्यारी डॉक्टर। हम इंसान हैं, जानवर नहीं, हमारी भी इच्छाएं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं, हम सब कुछ बदल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तुमने कहा था तुम रुक गए थे, आगे भी रुक सकते हो, यही आत्मा की पुकार है, इसीलिए मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। बहुत देर हो चुकी, वो लोग आज रात को आ रहे हैं तुम्हें दूसरी जगह ले जाने के लिए। जैस्पर, वो मुझे जानते हैं। हेलो जस्पर, कैसा चल रहा है? अपने आप को देखो, मैंने तुम्हें शैतानों का बादशाह बनाया था, पर तुम तो फरिश्ता बनने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हें दुश्मनों का खून पीने का मौका दिया तो तुमने उनको हमदर्द बना के मुझे ही धोखा देने की कोशिश की। मिस्टर जॉन, अब तुम अपने आप पर रोओगे। क्यों, जहन्नुम में जाने से पहले कुछ नहीं कहोगे? मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगा। घबराओ नहीं जॉन, तुम्हारी दोस्त को भी साथ भेजूंगा। मेरा कोई दोस्त नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम्हारी चहेती डॉक्टर जेड भी साथ जाएगी। ये हम दोनों की बात है, उस बेचारी को क्यों घसीटते हो बीच में? ब्लडी फूल, मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। कमीने की औलाद, उसे छुआ तो तेरे चीथड़े कर दूंगा। बकवास बंद करो, मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है। तुम्हें जिंदा गाड़ दिया जाएगा जॉन जस्पर, मरने का वक्त आ गया है।
वैसे उस कमीनी डॉक्टर का क्या सोचा है? मैंने कुछ खास ही सोच के रखा है उसके लिए। मिस्टर विंटो, तुम समझ गए होगे मैं क्या चाहता हूं। मार्गोलिस बोल रहा हूँ। हेलो मार्गोलिस, मैं डॉक्टर डिकैम बोल रही हूँ। जेड, क्या खबर है? उसका नाम पता चल गया है। क्या? उसका नाम जॉन है, मुझे उसकी फाइल मिल गई, उसे फंसाया गया है। अच्छा, वो कौन है? डॉक्टर यामाटो और उसके साथी। तुम्हारे बॉस ने नहीं बताया? तुम कहाँ हो? डेंटी कैफे सलेवियन स्ट्रीट पर। ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। आजा मेरी जान, कहाँ जा रही है? क्या चाहिए तुम्हें? आजा, चुप कर। नहीं, चुप कर, बैठ, बकवास बंद कर, चल बैठ। क्या मिजाज है? Ah!
क्या सोचते हो दोस्त, खून काफी बह चुका या थोड़ा और हो जाए? ये आदमखोर जॉन ड्यू है डॉक्टर, इसका दिमाग जब खराब होता है तो लोगों को मारना शुरू कर देता है, जैसा कि एम्बेसी में हुआ था। इसका नाम जॉन जैस्पर है। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये मुझे हॉस्पिटल में इसकी फाइल से मिला। वो लोग इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। मुझे ये सब मैरिरो ने क्यों नहीं बताया? डॉक्टर यमाटो ने भी मुझे नहीं बताया। तुम्हारी जान खतरे में है। जब तुमने जैस्पर से बात की तो उसने कुछ काम की बात बताई या नहीं? हाँ, बेबस सताया हुआ आदमी, वो समझता है अपनी आत्मा बेच दी एम नाम के आदमी को। पूरा संसार जिससे डरता है। एम मास्टर्स मेकर्स पता नहीं, मैं नहीं जानती। ये खिताब है ना कि नाम। वैसे मानसिक रोग वाले हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि एक शैतान उनके अंदर से ऐसा काम करवाता है। ओके, क्या उसने किसी द हैंड संस्था का नाम बताया? वो उनके लिए काम करता है। ये क्या है? ये खतरनाक अपराधियों का गिरोह है। वो लोग रहस्यवादी और मूर्ख बलि देने वाले शैतान लोग हैं। और इसे देखो, ये किसी एम नाम से जुड़ा है। सचमुच ऐसा होता है? वैसे अगर हिस्ट्री देखें तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। और तुम समझती हो रोगी है, और जैस्पर सोचता है वो लोग पापी हैं, मगर मैं जानता हूँ वो लोग बस खूनी हैं। मगर कैसे? पता नहीं, लेकिन मैं दावा करता हूँ एक न एक दिन उन्हें जरूर पकड़ूंगा। मैंने कहा था ना, इस केस से दूर रहो। सर, इन्होंने ही मुझे बुलाया था जॉन जैस्पर के सिलसिले में। माफ करना, मेरा मतलब जॉन ड्यू। विटो, एम कहाँ है? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? ये बात मुझे एम को ही बतानी है। तुम मुझे बता सकते हो? एक आदमखोर की तरह वो कहीं से बाहर निकल कर आया। कौन, कहाँ से आया है वो? वही शैतान, उसने मेरे आदमियों को मार डाला। मुझे एम से मिलना है इसी वक्त। इतनी जल्दी भी क्या है विटो, पहले जरा आराम तो कर लो मेरी जान। आओ विटो, आओ। मैं कुछ नहीं कर सका, उसको रोकना नामुमकिन था। बॉस मेरे बारे में गलत समझेंगे। मैं बॉस को समझा दूंगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतना खून मैंने जिंदगी में नहीं देखा। खत्म कर दो और सबको मार डालो। हमने तो उसे दफना दिया था, मगर वो वापस आ गया। शांत शांत। नहीं, क्लेरा। तीखे पंजे वाला जैस्पर तो मर गया, तुमने तो दफनाया था। सही बात है, तुम अपने आप को काबू में रखना सीखो। बहुत नाराज हो, आओ कुछ खेलते हैं। तुमने बहुत खेल लिया, अब मेरे लिए क्या बचा है? वैसे ये तीखे पंजे वाला कभी भी आ सकता है मेरे लिए, लेकिन वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा डार्लिंग।
अपना हिसाब जो चुकाना है उसे। एक दिन था जब तुम सबका हिसाब रखते थे, क्या हुआ अब वो तुम्हारा हिसाब रखता है? उसकी आजादी के दुश्मन थे तुम। बोल रही हो, उसे मैंने बनाया, मैं ही बिगाड़ूंगा। तुमने तो उसे दफना कर नरक में भेज दिया था, हाँ? मगर वो बच गया मेरी खातिर। तुम्हें अंदाजा है कि जैस्पर मेरे बिना क्या होगा? एक बेवकूफ हत्यारा, एक बम का गोला, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा जिससे मेरी हार हो। और तुमने कभी सोचा भी है कि तुम मेरे बगैर क्या होगे? ये मेरी सुरक्षा के लिए आए हैं, कमिश्नर मैरिनो ने भेजा है। 24 घंटे ये मेरे साथ रहेंगे। मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर वो सामने आ गया तो? जेड, सब ठीक है सर, हम लोग बाहर रहेंगे। मेरे माँ को किसी चीज की जरूरत हो। थैंक्स। सुनो, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। ठीक है। ये कौन है, तुम्हारा पति? नहीं, ये मेरे पिता हैं। भला आदमी दिखता है। वो मेरे सब कुछ थे, मर चुके हैं। थैंक यू लेफ्टिनेंट। या तो थक गई हो, तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो मेरा फोन नंबर तो है ना तुम्हारे पास? मैं ठीक हूँ, थक जरूर गई हूँ लेकिन दिल और दिमाग काबू में है मेरे। मुझे कुछ मत करना प्लीज जेड। वैसे मैंने इन ब्लेड को साफ तो कर दिया है मगर वो दोबारा खराब होना चाहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं जानता, बस तुम्हें देखने चला आया। मुझे क्यों? क्योंकि तुम्हें बचाना है उससे। किससे? एम, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। वो मुझे मारना चाहता है, वो तो मुझे जानता तक नहीं। वो मारना ही नहीं चाहता, उससे भी घिनौना काम करना चाहता है। ये सब लोग उसी के लिए काम करते हैं। जॉन मेरी बात मानो, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ और इन चीजों को निकाल दो। एम, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं। ओह माय गॉड, तुम समझते क्यों नहीं, ये लोग भी उसी से मिले हैं। रुक जाओ।
मुझे गुस्सा आता है तो खात्मा कर देता हूँ। तुमने पुलिस वालों को मार डाला। तुम इन लोगों के भरोसे क्यों रहती हो? ये सब उसी के पालतू कुत्ते हैं। मेरी बात सुनो, अगर ये सब छोड़ दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी मदद तुम नहीं कर सकती। तुम ये मानते क्यों नहीं कि मैं ही तुम्हें इन दरिंदों से बचा सकता हूँ? सावधान, ध्यान से सुनो। ऑफिसर मारा गया। कातिल ने डॉक्टर डी कैंप को अपने कब्जे में कर रखा है। वेल्थ स्ट्रीट सबवे के पास। सावधान। लेफ्टिनेंट मार्गोलिस जी, कहाँ हो तुम? टेलीफोन बूथ पर, 12th स्ट्रीट सबवे। ओके, वहीं रहो, मैं पहुंच रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है, जल्दी आइए। वो यही। वो यही है। ओके, मैं यहीं पर हूं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जेट, जेट, ओह शिट, जेट, मार्गोलिस, उधर चली जाओ जल्दी। कोई बात नहीं। मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तुम्हारी मदद के लिए आया है। मैंने सोचा भी नहीं था तुम यहाँ होगी। जेड, तुम कहना क्या चाहते हो? चुप हो जाओ, नहीं। कुछ नहीं होगा। जेड, जेड, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जेड, नहीं होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, चुप हो जाओ। मुझे जाने दो। चुप हो जाओ। जेड, 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 समझ आया तुम्हें? रुको, वरना गोली मार दूंगा। आओ मेरे सिपाहियों, स्वागत है तुम्हारा। वापस आ जाओ जेड, प्लीज वापस आ जाओ। तुम भागो जेड, इधर आ जाओ हमारे पास। जेड, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। गोली मत चलाओ, मुझे लड़की चाहिए किसी हाल में। मुझे लड़की चाहिए किसी हाल में। गोली मत चलाओ। जल्दी आ जाओ। मुझे छोड़ दो मुझे। लड़की हाथ से निकल गई।
मैं और आगे नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, अब हिम्मत नहीं है। ठीक है, हम घर पहुंच गए। ये तुम्हारा घर है? था कभी। तुम क्या हो? तुम मुझे जंगली जानवर समझती हो, मगर मैं भी इंसान हूँ। ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें धोखा हुआ है हिंसात्मक घटनाओं के जरिए। एम इस दुनिया को तबाह और बर्बाद करना चाहता है और उसने मुझे नहीं। अपना जरिया बनाया। मुझे देखो सालिब हूँ, फिर भी मुझे चाहती हो। मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ, तुम्हारे अंदर के इंसानियत को जगाना चाहती हूँ जॉन। तुम्हारा जॉन तो कब का मर चुका है। मुझे जाने दो। तुम इस पापी का इलाज नहीं कर सकती डॉक्टर, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। तुम क्या चाहते हो, रेप करोगे? यही चाहते हो ना? करो। तुम्हारे दिल में क्या है जेड? मैं तुम्हें पहले दिन से ही चाहने लगी थी। और ये प्यार हमेशा रहेगा तुम्हारे लिए। रेप हुआ था जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। किसने किया? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ याद नहीं। मेरे सपनों में भी उसकी सूरत नहीं है। मैं उसे अनजाना मानती हूँ। उसका शरीर बड़ा कोमल था। जब मुझे होश आया तो खून बह रहा था। अब सो जाओ, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। मुझे लगता है कि कमिश्नर कुछ बात करना चाहता है। कहिए। हे, क्या हो रहा है यहाँ? हाय, क्या हो रहा है? देखो मैं लेफ्टिनेंट मार्गोलिस हूँ, यहाँ मैरिनो है क्या? हाँ ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल है उन्हें इस समय डिस्टर्ब करना। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, मैं इंतजार करूंगा। मेरी कल सुबह मेयर के साथ मीटिंग है। वो जानना चाहेगा कि पुलिस ने अब तक एम्बेसी में मरे हुए खून के कातिल जॉन जेस्पर को पकड़ा क्यों नहीं। मैं कह सकता हूं जॉन जेस्पर जरूर मारा जाएगा। मैं कह सकता हूं कि वो बहुत चालाक हो गया है और हमारे निशानों से बचता चला जा रहा है। ये भी कह सकता हूं कि जॉन जेस्पर कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के लिए उनके इशारों पर नाच रहा है और खतरा बनता जा रहा है। मैं ये भी कह सकता हूं जो आदमी उससे ये कत्लेआम करवा रहा था
उसी के खिलाफ अब जैस्पर अपना बदला ले रहा है और जैस्पर को अपने इशारों पे नचाना चाहता है। लेकिन अगर ये सब मेयर को मैंने बताया तो वो सोचेगा मैं पागल हो गया हूं। तुम क्या समझते हो, क्या मैं पागल हूं? क्या नहीं कमिश्नर, तुम थोड़े सनकी और बह गए हो, नाकाम हो गए हो। आज रात के समारोह का क्या होगा? क्या जैस्पर तुम्हारे काबू से बाहर चला गया? क्या हम के? सुनो, काबू में रखना कोई बड़ी बात नहीं, हम योजना बना के काम नहीं करते। तुम उसे काबू में नहीं रख सकते, तुम उसे रोक भी नहीं सकते, वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। तुम में से कौन कमिश्नर की बात से सहमत है? हमारी जीत सामने है। आज की रात शैतान भूत प्रेत जमीन पर उतरेंगे। क्या मैंने पहले कभी तुम्हें मायूस किया? क्या मैंने उन सबको खत्म नहीं किया जो हमारे रास्ते में आया? क्या मैंने तुम सबको हमेशा खुश नहीं रखा? ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। भूल गए, मैंने तुम्हें अमीर बनाया, शक्तियां तुमको दी, जिंदगी की मस्तियां भी दी, सब कुछ भूल गए तुम? तुम्हारी हर भूख को मैंने मिटाया, मगर तुमने कमिश्नर नो, तुम लालची हो गए हो। जॉन जैस्पर की आखिरी रात है आज, दफा हो जाओ। आप ही मास्टर रहेंगे। बैठ जाइए, परेशान मत होइए। जाने मन, आज तो तुमने कमाल कर दिया, अब तुम्हारे अंदर शक्ति बहुत ज्यादा आ गई है। वो जैस्पर बच कैसे गया? नामुमकिन। हमारी मुसीबतों का फायदा उठा के जैस्पर जो जादू कर रहा वही उसका अंत होगा। वो कुतिया डॉक्टर जो उसके साथ है? हाँ वही जेड, उसी ने उसमें आत्मविश्वास पैदा किया है। वही भरोसा दे रही है, हम उसी भरोसे को उससे जुदा कर देंगे। हेलो जेड, कहाँ हो तुम? क्या जैस्पर तुम्हारे साथ है? यही मेरे पास है, सो रहा है। सो रहा है? वैसे बात क्या है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर? ठीक है, उसे मत जगाओ, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। एम की जहाँ पे हुकूमत चलती है, मैं अभी वहीं से बोल रहा हूँ, वही सब कुछ करा रहा है, मैंने देखा है उसे। तो जैस्पर का कहना ठीक निकला? वही नहीं, मुझे पता चला है कि जैस्पर का एम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मैंने एक प्लान बनाया है, इसमें तुम्हारी और जैस्पर की भलाई है, और मैं इस एम को ठिकाने लगा दूंगा, मगर इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए, फौरन चली आओ अकेली। मार्गोलिस, इधर आओ।
कोई आपसे मिलने आया है। तुम इतने परेशान क्यों हो? प्लीज क्लेरा, मुझे तुम्हारी बचकना बातों का जवाब नहीं देना। आज रात वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती। नहीं दे सकती? एम का रहस्य में जादू भी नहीं, उसकी जादुई शक्तियाँ रहस्य। उसकी जादुई शक्तियाँ असुरक्षित हैं, आसानी से घायल किया जा सकता है। हम दोनों अगर मिल जाएं तो सब कुछ हो सकता है। तुम्हें पता है तुम क्या बक रही हो? जो मैं कह रही हूँ वो हमें बहुत पहले ही करना था। एम के साथ हमें नहीं बर्बाद होना, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ। तुम पर कैसे भरोसा करूं? क्यों नहीं? जो दवा उसके शरीर को तुम ताजा रखने के लिए देते हो उसमें कुछ ऐसा मिला दो तड़पता रह जाए, फिर हम दोनों इस रात को अंतिम संस्कार का रूप देंगे, लेकिन हम दोनों बच जाएंगे। आओ, यही है वो। बड़े बड़े लोग ही हमारा आदर करेंगे क्यों? डॉक्टर डी कैंप, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसा क्यों किया? मुझे यहाँ देख के हैरानी हुई, वो भी एम के साथ। रात कैसी गुजरी? मुंह पर लाली है, वैसे उस शैतान को तुम्हारे साथ रहने दिया। एक सौदा करना चाहती हूँ। हम एक दूसरे को समझने लगे हैं, हम सौदा करेंगे। जॉन को अपनी गिरफ्त से बाहर कर दो। अगर ना करूँ तो केस करोगी, पुलिस बुलाओगी? तुम्हें लगता है कि ये सब बेबुनियाद है क्यों जेड? वैसे तुम्हें क्या आनंद मिल रहा है इस तरह जॉन जैस्पर को परेशान करके? वैसे तुम चाहती क्या हो? मेरा टेस्ट कुछ बदल गया है। बकवास बंद करो। मैं जानता हूँ क्या कहते हैं उस औरत को जो एक शैतान को आदमी का रूप देकर उसमें समा जाना चाहती हो, लेकिन तुम कभी भूल नहीं सकोगी ऐसे आदमी को जिसने डर, दहशत और घिनौना माहौल बना रखा हो। तो तुम जान गए हो? तुम्हें जैस्पर चाहिए? ठीक है, मिल जाएगा, वादा, मगर बदले में मुझे कुछ चाहिए, तुम्हारा शरीर। नहीं! उसकी आजादी की कीमत नहीं दोगी? डॉक्टर, मैं तुम्हें पाने के लिए बहुत तरस गया था, मगर काफी समय से तुम्हें सच्चाई के बारे में बयान करने से कतरा रहा था, समझी जेड? लेकिन उसने मना नहीं किया और समझाया, मेरा साथ दो, अंधे मत बनो तो जीत हमारी होगी, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें हासिल करने में ही सच्चाई है, ये मैं इन्हीं से जान पाया हूँ, और ये बात तुम भी जान लो तो अच्छा होगा, क्योंकि अब तुम्हारा कोई जादू मुझ पे नहीं चलेगा। जेड, जेड, जेड! आज के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे शरीर में शक्ति आ जाएगी। सही कहा आपने। तुम कुछ परेशान हो? नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं सर। तुमने ये क्या किया योरी? क्या किया तुमने? छोड़ दो मुझे, कुछ ही समय में तुम मरने वाले हो, समझे? हम दोनों में समझौता हुआ था। जाने दो मुझे।
ये सब अरे क्लारा के कहने पे क्या है? पहले भी उसने ऐसा ही किया था। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, क्लारा को उसकी सजा मिलेगी। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। थ्री टू वन। बॉस, तुमने बॉस को मार डाला। अब मैं बॉस हूँ। हम तुम्हें अपना बॉस क्यों माने? क्योंकि शक्ति अब मेरे हाथों में है। नहीं, प्लीज क्लारा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो जाओ और उस डॉक्टर डी कैंप को ले आओ, जल्दी। तुम्हें अपना नया कमरा पसंद आया डॉक्टर? तुम कौन हो? तुम मुझे एम कह सकती हो। क्लारा, तुम्हें जैस्पर ने मेरे बारे में नहीं बताया? उसने मुझे अपनाया था तुम्हें छूने से पहले। गुस्सा आया ना ये सुन के? यह गर्मी आ गई। भड़क गई। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हीं से बात कर रही हूँ। तुम एक कमजोर और लाचार औरत हो। चल। वैसे एम को हमेशा तुम जैसों की जरूरत ही थी, क्योंकि तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तुम क्या करने जा रही हो? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ? तुम समझती हो औरत के दो रूप होते हैं इस संसार में, एक प्यार के मोहताज, एक वैश्या। तुम मोहताज हो, मैं वैश्या हूँ। मुझको खत्म कर दो, मैं तुम्हें मास्टर बना दूंगी। अब मैं तुम्हें दूंगी प्यार की लालसा और ना खत्म होने वाली खुशी, और कभी ना खत्म होने वाला दर्द। प्यार की लालसा, कभी ना खत्म होने वाला दर्द। जरा तुम्हारा स्वाद तो चखो डॉक्टर। तुम्हारे खून को उभरने दो मेरी शक्तियों से। हाँ, फिर मैं तुम्हारे खून को टपकाऊंगी। ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। तुम अपने आप से भाग नहीं सकती, सोचो जो खुशियां तुमने अपनाई हैं। तुम अब दर्द में डूब जाओ, सब याद करो, याद करो, बीती बातों को याद करो, याद करो, याद करो। Oh.
अब तुम वैश्य हो, दर्द और खुशी एक हो गए। क्यों हैरानी हुई? मेरे साथ रह के तूने मुझे ही धोखा दिया। हमने इन सब ग्रहों को भ्रमण में छोड़ा है। शैतान का राज बढ़े, सीमाओं में तनाव आए, जिससे भयंकर युद्ध छिड़ने की संभावनाएं पैदा होंगी। आज रात को संस्कारों का मिलन है। आज रात हम देखेंगे शैतानी तत्वों का जन्म, किससे जालिमों का आगमन धरती पर आज होगा। सब शक्तियां तुम में समा जाएंगी जेड। ए औरत जात, मेरी आगोश में आ जाओ। अपने दिल से गिले शिकवे निकाल दो, खुशियां हमारे कदम चूमेंगी, अनगिनत शक्तियां आ जाएंगी। प्लीज मास्टर, मुझे माफ कर दो। समय आ गया इसे जन्म लेने को आदमी के पेट के अंदर से। मुझे भी उठा लो। पूरी जिंदगी जिस सच्चाई को मैं ढूंढ रहा था, वो सच्चाई आज मेरे सामने है। Yeah!
खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। हम नरक में नहीं जाएंगे। नरक यही है। तुमने जेड के साथ क्या किया? जेड! दाने मंदु, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया क्योंकि मैं उसे नहीं चाहती। तुम मेरे हो, मेरी जान हो, हमेशा मेरे ही रहोगे। तुम और मैं और ये। अरे जॉन, देखा नजारा? मरीज खुद विनाशकारी होता जा रहा है। अच्छा हुआ तुम समय पर यहां आ गए। तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं था। तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम पर हमेशा मेरा जादू चलेगा। समय आ गया है शैतानों का। यहां देखो जाने, पसंद आया यह नजारा? तुम्हें पसंद आएगा। शैतान को बुला लिया। अब पता चला जॉन, ये मेरी है जैसे तुम मेरे हो। एक घिनौनी हरकत। डॉक्टर, जब डैडी ने रेप किया तुम्हें अच्छा लगा ना? क्योंकि आज तक वही प्यार तुम जान सकी हो, तुम चाहती भी यही हो। और वो आदमी तुमसे ये छीनना चाहता है, उसे सजा मिलेगी। हाँ, उसे सजा दो, उसे सजा दो, उसे सजा।
सजा मिलनी चाहिए। जब सर बाहर आ जाए अंगों को घिस देना, वो गर्म और गीला होगा तो लड़की के लिए ठीक रहेगा। शैतानों सजा दो। जादू नहीं चलेगा एम। तुम मेरे बहुत खतरनाक शिष्य हो जॉन जैस्पर, बहुत क्रोधी, और इतने नजदीक कि मुझे ही खा जाओगे। अब मैं तुम्हें अपने हिसाब से मारूंगा। तुम्हें खत्म कर दूंगा। बंद करो अपनी चालाकियां, उसे जाने दो। अपने जाने मन की आत्मा वापस चाहती हो, बदले में क्या दोगी? जो भी तुम चाहो। तेरी होने वाले बच्ची की आत्मा। शैतान पागल। शैतान नहीं दरिंदा। मैं वादा करता हूँ जॉन जैस्पर मुझसे छुटकारा पालेगा। सौदा मंजूर है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और तुम मर जाओगे। तुम्हारी बच्ची और तुम मेरे हो। जरूरी नहीं, तुमने छोटी सी भूल कर दी। मेरे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। जब मेरा रेप हुआ था मैं 11 साल की थी, इसलिए मेरी दिमागी हालत ही नहीं, कोख भी सूनी है। नामुमकिन को मुमकिन करूंगा मैं। मैं हिल नहीं सकता, मैं मर गया हूँ। नहीं जॉन, तुम नहीं मर सकते। ये इसकी एक और चाल है, याद करो इसकी हरकतों को, याद करो हमारे मिलन को, याद करो। तुम मर गए हो, मैं तुम्हें दफना दूंगा जॉन, दफना दूंगा। हम तो नहीं मरेंगे। मुझे छोड़ के मत जाओ। जब से मुझ में बदले की भावना जागी, मेरा नसीब खत्म हो गया। जो तस्वीर मैंने अपने जीवन की बनाई थी, वो मेरी आत्मा में है। मेरा दिल यही कहता है। हाँ।
हाँ